हाल ही में राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या, जिस हत्या के मुख्य आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहा है, जिससे परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है, प्रशासन से गुहार भी लगा रहा है। लेकिन वहीं प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम से दिखाई दे रहे हैं। हमारे यूपी ब्यूरो की एक रिपोर्ट, जिस पीड़ित परिवार से हमारे यूपी ब्यूरो ने बात की और उनकी सुध ली, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने अभी तक उस परिवार की कोई भी सुध नहीं ली। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि 2018 निर्मम हत्याओं से भरा हुआ था, उसी तरीके से 2019 की भी शुरुआत निर्दोषों की हत्या से हुई है। इसी तरीके का, जैसा कि पुलिस अपना गुड वर्क ओपन करने के लिए 2019 में लोगों से जो भी अपराध कर रहे थे उनको पकड़ करके अपने गुड वर्क से शुरुआत कर रही थी, वही अपराधियों ने उनके गुड वर्क पे पानी फेरते हुए एक और व्यापारी की हत्या कर दिया, जिसका नाम था मनप्रीत सिंह। तो आज हम लोग आए हुए हैं आलमबाग के चंदर नगर में। अभी पूछेंगे लोगों से कि जो व्यापारी अमनप्रीत सिंह की हत्या हुई थी उसके बारे में अभी तक के क्या कार्रवाई हुई है और क्या पुलिस प्रशासन अभी तक के अपराधी को पकड़ पाई है कि अभी तक के गिरफ्त से बाहर है। जैसा कि एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का पालन पोषण एक मुखिया करता है, तो कहीं ना कहीं एक मुखिया की हत्या हो चुकी है और उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है अभी जानेंगे उन्हीं के परिवार से। योगी सरकार में देखिए ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की सभी दलीलें झूठी और खोखली साबित हो रही हैं। 9 वर्ष से ही खूंखार अपराधियों ने बेकसूर के खून से होली खेल ली और हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और कानून की गिरफ्त से बाहर हो गए। जहां SSP कलानिधि नैथानी का ज्यादातर समय राजधानी के जाम के झाम से निपटने में लग जाता है, वहीं कानून मंत्री बृजेश पाठक का समय सम्मान समारोह में बीतता दिखाई देने लगता है। राजधानी में बढ़ते अपराध से क्या आम लोग चैन की सांस ले पाएंगे? क्या योगी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएगी? क्या परिवार डर से ही घर में बंद हो जाएगा? क्या अमनप्रीत हत्याकांड में परिवार को न्याय मिलेगा? देखना है कि क्या अपराधों पर लगाम लगाने में योगी सरकार का क्या रुख लेती है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि जिस बेरहमी से मेरे बेटे, मेरे पति और मेरे भाई, मेरे पापा को मारा गया है, वैसे ही राजू कालिया सरदार, जो कि मुख्य आरोपी है, जिस पर 302 का मुकदमा है, उसे उसी तरह मार गिराया जाए। मेरे बेटे के साथ ये बताइए कि जिस तरह से आपके बेटे की निर्मम हत्या हो गई, अभी तक अपराधियों को क्या हुआ, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? कह रहे तलाश में लगे हैं मगर पकड़ नहीं पा रही। परिवार में डर का माहौल भी बना हुआ है? डर का हम तो डर का माहौल तो बना ही हुआ है परिवार में। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पहले तो अपना परिचय देते हुए बताइए क्या कारण है। सरदार जगनैन सिंह निटू, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी का सदस्य हूँ और अमनप्रीत जिसकी हत्या हुई है, मैं रिश्ते में उसका सगा बड़ा साढ़ू साहब हूँ। सबसे बड़ा साढ़ू परिवार का मैं हूँ। मैं गोरखपुर से आया हूँ। अब तो ये चीज़ें हम लोग के घर में तो कोई ऐसी बात आज तक देखी नहीं गई। जिस तरह मोहल्ले में आसपास आप पता कीजिए, हर कोई कहता कि अमनप्रीत का स्वभाव बहुत अच्छा था और सबसे मिलता जुलता अच्छा खासा था अपने रोजी रोजगार से। शासन प्रशासन से मुझे 100% हम उसी सरकार में, जिस योगी सरकार में, और मुझे अभी तक दुख हो रहा है कि अभी तक 5 से 6 दिन हो गए, अगर हम लोग का वहाँ पे संबंध होते हुए भी आज तक अगर मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा है, ये खुद हमें बड़ा अफसोस है। और मैं इस समय गोरखपुर जा रहा हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हैं और कल सुबह 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने टाइम लिया है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन या यहाँ की अगर कोई और अपने दबंगई के बल पर या पैसे के बल पर पुलिस को गुमराह करके पुलिस को हेरफेर करा रहा है तो कतई करा नहीं पाएगा किसी भी स्तर पर जाके। मुजरिम को सामने आना पड़ेगा और सजा हम दिला के रहेंगे। और ये कोई ना समझे कि अमन को करके हमारे परिवार को डरा देगा, धमका देगा, हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे जिस स्तर की लड़ाई लड़नी होगी उसको हम सजा दिला कर ही रहेंगे, चाहे जिस स्तर पर जाना। तो आरोपी कौन है? आरोपी अब पुलिस साबित करेगी कौन कौन है, क्योंकि हम जब हत्या हुई तो हम स्पॉट से पहुंचने से पहले ही जो हमारे परिवार के लोग थे हत्यारे तो भाग चुके थे। मुकदमा दर्ज है किसी एक का नाम? मैं तो आज आया हूँ गोरखपुर से, मुझे बता सकते हैं अमन के फादर किसके किसके? सोनू खान और राजू कालिया।
कौन और अपना परिचय देते हैं बताइए। अहमद का छोटा भाई हूँ। क्या भाई है? क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम सोनू खान है। क्यों चलते उन्होंने उसकी हत्या की? पैसे को लेन देन का ही चक्कर था और 7 से 8 गोली उसको मारी गई भाई। लेकिन अपराधियों के साथ अभी तक कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं? कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है, अब उसी को देखते हैं। प्रशासन के पास जाते हो तो पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा रहता आप लोगों का? आश्वासन आई ना, आश्वासन देती है कि हो जाएगा पकड़ा जाएगा। बाकी सभी बोल दो ये गहरी साजिश नहीं, अभी तो उन्होंने 25-25 का जुर्माना भी लगाया गया उसके ऊपर। जो पीछे और जो पीछे है इन लोगों के पीछे कोई और हाल है। जुगनूवालिया का काम कराया हुआ है इसने 2 साल पहले 2015 में गोली मारी थी उसको, मेरे बच्चे को 2 साल पहले जुगनूवालिया और सोनूवालिया और मिंटू और वो खान नहीं नहीं इशरात खान ये 4 जने आए थे हमारे बच्चे को घर पे गोली मार के गए थे। उन्हीं की रंजिश है, उन्होंने ही ये काम कराया। कौन से सन में? 2015 में पहले केस चला था। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई? वो केस चल रहा है अभी, कुछ नहीं हुआ। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ ना, वो घूम रहे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? कहने का मतलब यह है कि पहले से आरोपी वो था, लेकिन उसका ड्राइवर था जुगनू का जिसने गोली मारी मेरे बच्चे को। इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं सर। जिस तरह मेरे पति को मारा गया उस तरह उसको ही मारा जाए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का। पकड़ाइए उसको, फांसी दीजिए। हम ये कहेंगे उनको फांसी दीजिए जिसने हमारे बच्चों को मारा है अपराधी का। हमें नहीं पता, आप राजू कालिया सोनू खान को देखा गया। आप उनको पकड़ के फांसी दिलाइए, लेकिन उनके पीछे किसी और का हाथ है ये अभी पता नहीं लगा पाए। पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पा रही, पूरा षड्यंत्र है ये जी। तो आपने देखा पीड़ित परिवार कैसे दुखी है, रो रो के उनकी जो धर्म पत्नी उनका बुरा हाल है और पुलिस प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे माता पिता और भाई और धर्म पत्नी जी का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द उनके जैसे मारा है मेरे पति को वैसे ही उसको भी मारे। इनकी मांग है कि किसी भी तरीके उस मुलजिम को जिसके पीछे जो दूसरे लोगों का भी हाथ है उसको भी पकड़ के शिकंजे में कसने का काम करे योगी सरकार और पुलिस प्रशासन से, उनकी ये मांग है। आपने देखा ये राजधानी में हम लोग आलमबाग चंदन नगर गुरुद्वारे में है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अहमद आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से पीड़ित के पूरे परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं गुरुद्वारा भी गए प्रार्थना करने अमर पीत की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कई बड़े अपराधी कई बड़े नामों का खुलासा पीड़ित परिवार ने किया। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां तक अपराधियों पर और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से लगाम लगाने की बात करती है। नया वर्ष आ चुका है, अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पुलिस विभाग क्या अपराधियों पर लगाम पाएगा? इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था किस तरह से हो चुकी है।